बेस्ट फोन अंडर 30,000 टू अंडर 50,000 रुपीज। मार्केट में हमें जितने भी फोन 30,000 से लेके 50,000 के बजट में मिलते हैं ना, उनको चेक करते हैं। हर एक बजट में आपको दो फोन बताऊंगा एंड आपकी जैसी मर्जी रिक्वायरमेंट अपने फोन से रिलेटेड, चाहे आपको डेली यूजेज के लिए फोन चाहिए, चाहे आपको ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, और अगर आपने ओकेजनल गेमिंग करनी है तो वो फोन भी आपको बताऊंगा। हार्डकोर गेमिंग वाले भी फोन मैंने कवर किए हैं जिनके लिए परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मैटर करती है, प्लस इन सभी के जो कैमराज हैं वो अनडाउटेडली दी बेस्ट होंगे। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स चेक आउट दी बेस्ट फोन अंडर 30,000 टू अंडर 50,000 रुपीज। तो सबसे पहला फोन है आइको नियो 7 5G फोन। देखो ये जो फोन है ना वो गेमिंग के सिनेरियो में टोटली बेस्ट है इस बजट का। आप इसके ऊपर 90 FPS तक की गेमिंग कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसके ऊपर गेमिंग हो सके एंड साथ में उसका कैमरा भी बढ़िया हो, OIS सपोर्टेड वाला, तो ये फोन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले डिस्प्ले को चेक करते हैं। 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। बैक प्लास्टिक की, बहुत ही बढ़िया इन हैंड फील है स्मार्टफोन का। 2400x1080 पिक्सल्स, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 1200 हर्ट्ज का TSR, 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। ग्लास फ्रंट एशिया 10 प्लस, डायमेंसिटी 8200 सेल्फी कैमरा उससे हम 4K रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ओनली 1080p 30fps। 5G 8 बैंड्स की सपोर्ट मिल जाती है। 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी है। USB टाइप सी टू सी 120 वॉट की चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। फ्रॉम 0 टू 50% इसकी जो बैटरी है वो 10 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है एंड 100% आपका फोन चार्ज हो जाएगा इन जस्ट 25 मिनट्स ओनली। एंड एक और प्लस पॉइंट है कि अडैप्टर हमें फोन के साथ मिल जाता है। एंड्रॉइड 13 दिया गया आउट ऑफ द बॉक्स। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, मोशन कंट्रोल के साथ ही 90fps तक की गेमिंग हो जाएगी। सेकेंडरी माइक है, 2 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट एंड 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट। एंड इतना बढ़िया फोन आपको सिर्फ 30,000 के प्राइस पॉइंट मिल जाएगा, तो आपने इसे जरूर कंसीडर करना है। इस पीरियड का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है Nothing Phone 1। देखो ये जो फोन है वो उन यूजर्स के लिए जिनको एकदम ही डिफरेंट सा फोन चाहिए, टोटली ऑल राउंड स्मार्टफोन में से कह सकता हूँ। बहुत ही बढ़िया पावरफुल प्रोसेसर दिया गया, 6.55 इंचेस की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले मिल जाती है। 10 बिट 2400x1080 पिक्सल्स, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ग्लास फ्रंट है, गोरिल्ला ग्लास 5K प्रोटेक्शन, पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स की है, TSR 240 हर्ट्ज का, 1 बिलियन कलर्स मिल जाएंगे एशिया 10 प्लस के साथ। डिस्प्ले एक्चुअल में इसकी काफी बढ़िया, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिलता है डिस्प्ले में। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस प्रोसेसर दिया गया। अंतत स्कोर की बात करें तो 5,90,000 के करीब इसका अंतत स्कोर है। 256GB स्टोरेज मिल जाएगी आपको, 128GB वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। बैक साइड पे दिया गया डुअल ट्रिपल फंक्शन कैमरा, 50MP का मेन कैमरा, सोनी IMX766, OIS सपोर्टेड, 50MP का सैमसंग GN1, इट ऑल्सो डबल जैप एस मैक्रो कैमरा। लेफ्ट वन शोल में मिल जाता है 16MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा, OIS सपोर्टेड कैमरा, काफी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलेगी आपको। मेन कैमरा से 4K 30fps रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, 1080p 30 एंड 60fps, एंड सेल्फी कैमरा से 1080p 30fps। 5G के 12 बैंड्स की सपोर्ट मिल जाती है। 4500mAh की बैटरी कैपेसिटी, USB टाइप सी, 33 वॉट की चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। आधे घंटे के अंदर 50% इसकी जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है। अडैप्टर हमें फोन के साथ ही मिल जाएगा, नथिंग OS मिलेगा बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दोनों की सपोर्ट मिल जाती है। 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग प्लस रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। 3 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट एंड 4 साल की सिक्योरिटी पैच अपडेट। एंड इसका जो करंट प्राइस है दैट इज ओनली 29,000 रुपीज, तो आपने इसे जरूर कंसीडर करना है। इसका भी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो 30,000 के बजट में मैंने आपको दो फोन बताए हैं। अगर आपने ओकेजनल गेमिंग करनी है एंड साथ में आपको ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए बेस्ट इन क्लास कैमरा के साथ, थिंक का जो फोन है वो आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको हार्डकोर गेमिंग करनी है अपने फोन के ऊपर, गो विद आइको नियो 7 5G फोन। नाउ बेस्ट फोन अंडर 40,000 रुपीज, OnePlus 11R 5G फोन। देखो सबसे पहली चीज है कि लुक्स वाइज दिखने में ये फोन बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। OnePlus का जो 11 फोन है फ्लैगशिप लेवल वाला, ये दोनों फोन 11 और 11R दिखने में कंप्लीटली सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो अगर आपका बजट अराउंड 50 से 55,000 रुपए है तो आप 11 को बाय कर सकते हो। देखो OnePlus 11R जो फोन है उसके अंदर आपको सब कुछ एकदम ही बढ़िया मिल जाता है। बेस्ट इन क्लास प्रोसेसर दिया गया फॉर हैवी टास्क एंड अगर आपने गेमिंग करनी है, लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। आफ्टर दैट इसका कैमरा भी सबसे बढ़िया है। 6.74 इंचेस की 1.5K फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले, 10 बिट डिस्प्ले, बंचोल वाली, 1240x2772 पिक्सल्स, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 360 हर्ट्ज का TSR, 1450 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। पीक सपोर्ट्स sRGB DCI-P3 एशिया 10 प्लस, ड्रैगन टेल ग्लास हमें फ्रंट साइड पे मिल जाता है, बैक साइड पे गोरिल्ला ग्लास 5, स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर दिया गया। 1060,000 के करीब इसका अंतत स्कोर है। गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर है। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, डुअल नैनो सिम, 50MP का मेन कैमरा, सोनी IMX890, OIS सपोर्टेड, 8MP का अल्ट्रा वाइड प्लस 2MP का मैक्रो, 16MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा, EI सपोर्टेड। नाउ द थिंग इसके 11
11R और 11 इन दोनों के कैमरा आउटपुट में ना आपको कुछ भी नोटिसेबल डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इन सिंपल वर्ड्स, इसका भी जो कैमरा वो एकदम ही फ्लैगशिप लेवल का है, तो फोटोज एंड वीडियोस आपकी एकदम ही बढ़िया आने वाली है स्मार्टफोन के ऊपर। मेन कैमरा से हम 4K 30 एंड 60 FPS भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सेल्फी कैमरा से 1080p 30 FPS। 5G के 11 बैंड्स की सपोर्ट मिल जाती है, 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी है, टाइप सी 100 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है एंड अडैप्टर हमें फोन के साथ ही मिल जाएगा। एंड्रॉइड 13 दिया गया आउट ऑफ द बॉक्स, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, अलर्ट स्लाइडर, 3 साल की OS अपडेट एंड 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट। अलर्ट स्लाइडर बहुत ही यूजफुल फीचर है, सिर्फ OnePlus एंड Apple के फोन्स में आपको देखने को मिलेगा, बाकी कोई भी कंपनी आपको अलर्ट स्लाइडर प्रोवाइड नहीं करवाती। एंड इसका जो करंट प्राइस है दैट इज ओनली 40,000 rupees, तो आपने इसे जरूर कंसीडर करना है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है। बेस्ट स्पेलिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी बात करते हैं सैमसंग लवर्स के लिए सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G फोन। देखो इस बजट का वन ऑफ द बेस्ट सैमसंग फोन है, ये टोटली ऑलराउंड स्मार्टफोन है, एकदम ही फ्लैगशिप लेवल का एक्सपीरियंस मिलेगा आपको इसके अंदर। एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है 2x 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस डायनेमिक एमोलेड, 2340x1080 पिक्सल है सेंटर पंच होल, 120Hz का रिफ्रेश दिया गया, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन, 1200 nits की पीक ब्राइटनेस है, 240Hz का TSR एशिया 10 प्लस, एक्सिनोस 2100 प्रोसेसर है, 5nm बेस, 7 लाख के करीब इसका अंतु स्कोर है, 8GB LPDDR5 128GB UFS 3.1 डुअल नैनो सिम, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा बैक साइड पे, 12 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो OIS, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा। एंड इसका जो मेन कैमरा है ना उससे हम 4K एट 30 एंड 60 FPS रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अल्ट्रा वाइड से 4K एट 30 FPS रिकॉर्डिंग हो जाती है। एंड इसका जो सेल्फी कैमरा उससे हम 4K एट 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट स्टेबलाइजेशन फिर काम नहीं करेगा 4K FPS पे। 5G के 12 बैंड्स की सपोर्ट मिल जाएगी, 4500mAh की बैटरी कैपेसिटी है, USB टाइप C2C 25 वॉट तक की चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, फ्रॉम 0 to 50% इसकी जो बैटरी है वो सिर्फ आधे घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है। 1 UA 4.0 मिलेगा बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, डुअल वीडियो कैप्चर मोड मिल जाता है, सेकेंडरी माइक्रोफोन नॉइस कैंसिलेशन, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दोनों की सपोर्ट दी गई है फोन में। IP68 वाटर रेटिंग के साथ ही इसका जो करंट प्राइस है दैट इज ओनली 40,000 rupees, बट इसका जो करेक्ट सेलिंग प्राइस है दैट इज अराउंड 35 to 37,000 rupees। अगर आपको ये फोन अराउंड 35,000 के आसपास मिल रहा है ना, आंखें बंद करके आप इस फोन को बाय कर सकते हो, बट अगर आप इसे 40,000 के प्राइस पॉइंट पे भी बाय करोगे ना आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, एकदम ही बढ़िया स्मार्टफोन है। नाउ दिस इज सैमसंग गैलेक्सी S22 5G फोन। 50,000 के बजट में सैमसंग का दी बेस्ट स्मार्टफोन है, ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, डेली यूजेज के लिए चाहे फोटोज या फिर वीडियोस क्लिक करनी है आपने, गेमिंग करनी है, सब कुछ एकदम ही मक्खन परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। बैक एंड फ्रंट दोनों साइड पे हमें ग्लास मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया इन हैंड फील है इसकी, 6.1 इंचेस की फुल HD प्लस डायनेमिक एमोलेड, 2x डिस्प्ले, सेंटर पंच होल वाली, 2340x1080 पिक्सल, 120Hz का रिफ्रेश रेट, 1300 nits की पीक ब्राइटनेस, गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस ऑन फ्रंट एंड बैक, एशिया 10 प्लस दिया गया, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 प्रोसेसर है, 4nm बेस, 7,80,000 के करीब इसका अंतु स्कोर, 8GB 128GB स्टोरेज, LPDDR5 एंड UFS 3.1। बैक साइड पे दिया गया ट्रिपल कैमरा सेटअप, 50 मेगापिक्सल का डुअल पिक्सल PDAF OIS सपोर्टेड, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो OIS, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, सेंटर पंच होल में 10 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा। एक चीज है, मार्केट में आपको सैमसंग की कैमरा, सैमसंग की डिस्प्ले से बेटर कोई भी डिस्प्ले या फिर कैमरा नहीं मिलने वाला। इसकी जो पिक्चर क्वालिटी मिलेगी आपको वो टोटली अनबीटेबल है, एंड इसका जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है वो भी दी बेस्ट है। देखो बाकी अभी तक के जितने भी फोन मैंने आपको बताया ना, उन सभी फोन में आप 4K रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट ये जो फोन है इसके अंदर आपको 8K रिकॉर्डिंग की सपोर्ट मिल जाती है एट 24 FPS। 4K तो करता ही है 30 एंड 60 FPS पे, बट उसी के साथ ही 8K रिकॉर्डिंग पॉसिबल है इस फोन के ऊपर, वो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है, एकदम ही नेक्स्ट लेवल वीडियोस कैप्चर होती है उससे। एंड इसका जो फ्रंट कैमरा उसे भी हम 4K एट 30 FPS एंड 60 FPS रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 1080p एट 30 FPS। 5G के 7 बैंड्स की सपोर्ट मिल जाएगी, 3700mAh की बैटरी कैपेसिटी है, USB टाइप C2C 25 वॉट तक की चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, अडैप्टर हमें फोन के साथ नहीं मिलता, 1 UA 4.1 मिलेगा बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12, IP68 वाटरप्रूफ, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, 4 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट, आपने इसे जरूर कंसीडर करना है। एंड इसका जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 51,000 rupees, लेकिन जब ये फोन लॉन्च हुआ था ना तब ये 60,000 का सेल होता था, तो काफी बढ़िया फोन, आपने इसे जरूर कंसीडर करना है। बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी बात करते हैं आईफोन की, एप्पल आईफोन 12। अब जिनको इसी बजट के अंदर iOS यूज करना है या फिर आप एप्पल लवर हो, गो विद दिस स्मार्टफोन। फ्रंट एंड बैक साइड पे हमें ग्लास मिल जाता है, स्क्वायर डिजाइन है, बहुत ही प्रीमियम एंड एकदम ही कंफर्टेबल इन हैंड फील है इसकी। 6.1 इंच की फुल HD प्लस OLED सुपर रेटिना XDR नॉच डिस्प्ले है, 2532x1170 पिक्सल्स, 1200 nits की पीक ब्राइटनेस, 4K डॉल्बी विजन HDR रिकॉर्डिंग। फ्रंट साइड पे हमें सेरेमिक शील्ड ग्लास मिल जाता है, 60Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, A14 बायोनिक चिप है, 5nm बेस, 4GB 64GB वेरिएंट, सिंगल सिम प्लस 1 eSIM, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल एंड 12 मेगापिक्सल का वाइड फ्रंट कैमरा मिल जाता है। मेन कैमरा से हम 4K 24 30 एंड 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, सेल्फी कैमरा से 4K 24 30 एंड 60 FPS, बहुत ही बढ़िया वीडियो शूट होती है इससे। एंड एक्चुअल में काफी यूजर्स ना इसे प्रोफेशनल वीडियोग्राफी के लिए भी यूज करते हैं। 5G फोन है, 2815mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है, USB C2 लाइटनिंग केबल, 20 वॉट तक की चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर, अडैप्टर हमें सेपरेटली बाय करना पड़ेगा, iOS 14.1 मिलेगा, एल्युमिनियम फ्रेम, IP68 रेटिंग, अलर्ट स्लाइडर, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। एंड इसका जो करंट
प्राइस है, दैट इज अराउंड 52,000 रुपीस। तो आपने इसे जरूर कंसिडर करना है। इस पीरियड का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है ये भी, जस्ट गो फॉर इट। सो यार दीज आर दी बेस्ट ऑलराउंडर स्मार्टफोन अंडर 30,000 to 50,000 रुपीज। देखो 30,000 के बजट में मैंने आपको दो फोन बता दिए, सेम 40,000 एंड 50,000 के बजट में भी। आपने सिर्फ एक चीज करनी है कि सबसे पहले आपने अपना बजट डिसाइड करना है। आफ्टर दैट जो भी फोन मैंने उस बजट के अंदर आपको बताया ना, उसमें से किसी को भी चूज कर लो। सारे फोन मैंने आपको एकदम ही बढ़िया बताए हैं, सभी के बेस्ट स्पेलिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो यार दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज यार इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।